सो यू आर देयर हाँ थैंक यू जब आप इस लाइन में जब आपको ये पता चला कि आप विनर हो पहला एक्साइटमेंट क्या था मैंने सबसे पहले ये किया था द थैंक यू टू गॉड कि मुझे आज इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपने इंडिया को अपने भारत को इतने बड़े वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाई. इतना बड़ा मुझे प्लेजर मिला कि मैं अपने भारत को रिप्रेजेंट कर सकूँ. इसके लिए बहुत प्राउड फील हुआ और बहुत ग्रेटफुल हूँ मिस हेरिटेज इंटरनेशनल की. बहुत ग्रेटफुल हूँ अलमाइटी गॉड की, मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त, स्पेशली मेरी IPL की टीम, मिस्टर मुस्ताक अली, मिस्टर दीपक जी, एवरीबडी, माई मदर, माई सिस्टर एंड माई एंटायर फैमिली हु सपोर्टेड मी. आई एम रियली रियली थैंकफुल टू देम. जब ताज ये सर पे पहनाया गया तो एक्साइटमेंट कहाँ तक पहुँच गई थी? आई थिंक इट वॉज ऑन पीक ऑफ इट, ऑलमोस्ट पीक ऑफ इट. बहुत एक्साइटेड और प्राउड फील हुआ उस वक्त कि यस आई फाइनली गॉट इट. अब ये है कि आपने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया है, आप हिंदुस्तान को जिता के लेके आई है, हिंदुस्तान की आवाम ने आपको बहुत प्यार दिया है. IPL जैसी फिल्म जो मराठी फिल्म होती है ज़्यादा नहीं छपती है, लेकिन आपकी फिल्म पूरे इंटायर इंडिया में छपी है, यहाँ तक उर्दू के अखबारों में छपी है, हर जगह छपी है बिकॉज ऑफ यू. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, आई शुड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपने मुझे इतना प्यार दिया, जो आपने मुझे यू हैव थिंक दैट आई कैन डू दिस. तो आप सबको ही मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने यू हैव टेक मी एज अ लाइबल कि आप मुझे इतना प्यार दे सकें. शीतल कितने एक्साइटेड थे तुम जब रनअप में नजर आई, जब वहाँ पर इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़की थी, जब मुकाम बहुत मुश्किल होता है लेकिन फिर भी आप. मैं इस चीज़ को यही प्रेस करना चाहूँगी कि ब्यूटी इज़ नॉट ऑल अबाउट हाउ ब्यूटीफुल यू आर फ्रॉम योर फेस, बट हाउ ब्यूटीफुल यू आर विद इन. और यही एक ब्यूटी होती है कि हाँ वहाँ से रशियन या इतनी सारी एक वर्ल्ड की ब्यूटी